रामपुर में दिन प्रतिदिन अवैध रूप से सड़क मार्ग एवं पैदल पथ पर सामान बेचने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे शहर में किराए पर टैक्स देने वाले दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। व्यापार मंडल रामपुर व सब्जी विक्रेता संगठन के अध्यक्ष हरीश गुप्ता ने बताया कि अवैध रूप से सब्जी बेचने वालों से दुकानदारों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार अवैध रूप से सब्जी बेचने वाले ग्राहकों को खराब व घटिया किस्म की सब्जियां देते हैं, जिससे सब्जी विक्रेता की छवि भी खराब होती है। उन्होंने कहा कि ना तो इन्होंने कोई रेट लिस्ट लगा रखी है और ऊपर से ये लोग अपनी मनमानी से सब्जियों को बेच रहे हैं और ग्राहक भी रेट लिस्ट ना होने से काफी परेशान है।